अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरे फेसबुक पेज के ऊपर खुश आमदेद। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। यहाँ पर मैं छोटी छोटी कुछ वीडियोस बनाऊँगा जिसके ज़रिए से मैं आपको डेटा साइंसिस, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत के बारे में कुछ मालूमात दूँगा जो आपके करियर के लिए, आपके जॉब्स के लिए, आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होंगी। हम यहाँ मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मैं आपको बहुत सारी किताबों का तारुफ करवाऊंगा। मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में कोई 26,000 किताबें हैं। हम छोटे छोटे रोबोट्स बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको कुछ किस्म के डिवाइसेस दिखाऊंगा और बताऊंगा ये किस किस्म से यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह मुख्तलिफ चीज़ें से सीख सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉब्स के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसके ज़रिए से हम सितारों की चाल देख सकते हैं, किस तरीके से हम वक्त को नाप सकते हैं, वक्त की पैमाइश कर सकते हैं। हम कुछ रोबोट्स को प्रोग्राम करेंगे, ये हमारा डोगी रोबोट है, हम इससे शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम अब अलेक्सा को प्रोग्राम करेंगे वॉइस कमांड्स के लिए। उसके बाद हम ईवो के ऊपर स्विच कर जाएंगे, फिर हम ईवो को प्रोग्राम करेंगे, ईवो के बाद हम प्रोग्राम करेंगे केडी को, ये मेरा फेवरेट रोबोट है। केडी के प्रोग्राम करने के बाद हम मूव करेंगे कोजमो के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट है, हम इसके ऊपर अब प्रोग्राम करेंगे और इसको देखेंगे किस तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरीके से गेम वगैरह इसके साथ हम खेल सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे डिश के ऊपर, डिश को प्रोग्राम करने के बाद हम मूव करेंगे स्टार वार्स के BB-8 के ऊपर, हम इसको प्रोग्राम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम किस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूआत की कौन कौन सी डायमेंशंस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम गिल्टन बोर्ड की बात करेंगे, फिर हम कुछ और साइंटिफिक डिवाइसेस की बात करेंगे। तो इस किस्म के बहुत सारे फन एक्सरसाइजेस हम इस पेज के थ्रू करेंगे। आपको डिटेल तारुफ दिया जाएगा कि डेटा साइंस किसे कहते हैं, डेटा साइंटिस्ट आप किस तरह बन सकते हैं और किस तरीके से डेटा साइंस की फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम ब्लॉकचेन पे बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मनी के ऊपर बात करेंगे, पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से आया, नमक से शुरू होने वाला, खालों से शुरू होने वाला, गोल्ड तक पहुँचने वाला और अब क्रिप्टो करेंसी तक आने वाला, पैसे के पीछे कहानी क्या है और आगे दुनिया किस तरफ जा रही है। और इसी तरीके से मस्नूई ज़हानत के ऊपर बात करेंगे और उसके जो सेकेंड और टर्शरी इफेक्ट्स होंगे सोसाइटी के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बातें करते हैं तो सेल्फ ड्राइविंग कार की वजह से जो कार होगी वो इलेक्ट्रिक के ऊपर या किसी अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर स्विच हो जाएगी और हमारे पास ऑयल की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ इतने से काम करने से इन एल्गोरिथम से कार के वज़न में तकरीबन 1000 से 1200 किलोग्राम का वज़न आएगा और 81% से ऊपर जो ऑटो पार्ट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज देयर विल बी नो कंबस्टन इंजन, तो इंजन की कोई पीछे जो उसके पुर्जा जाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, आप सवाल भी मुझसे पूछ सकेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आप सबको पेज पर मिलते हैं और इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। कोई चीज़ आप सीखना चाहें, कोई सवाल आप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं zeeshanusmani.com, वहाँ मेरे ब्लॉग्स होते हैं इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर, और आप मेरी किताबें पढ़ सकते हैं जो कि guftugu.com से अवेलेबल है मज़ीद सीखने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए खुदा हाफिज़, आप सबका शुक्रिया। ज़ीशान उस्मानी।